हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं लाया हूँ साइंस एमसीक्यू के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, राहुल सिंह। ये इस वीडियो का पार्ट वन है और इसके बाद आगे का पार्ट जो बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सीधा प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आई डिफेक्ट विच यूजअली रिजल्ट फ्रॉम एन अनइक्वल कर्वेचर ऑफ द क्रोनिया इज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस्टिगमेटिज्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन इज। तो साउंड का वेलोसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, तो ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड कैनॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर। इनमें से कौन सा साउंड है जो हम नहीं सुन सकते? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 30,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड द डिस्टेंस इन मीटर देन द वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन। तो अगर हम फोर्स को न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, और ठीक इसी प्रकार तो जो काम होगा उसे हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, जूल। ठीक है, व्हेन फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, डिस्टेंस इक्वल टू मीटर, देन वर्क डन इज इक्वल टू जूल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इज एसोसिएटेड विथ, द लॉ ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इज एसोसिएटेड विथ डार्विन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डार्विन। नेक्स्ट, व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, जब हम दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं तो क्या होता है? तो जब हम दूध मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं तो द डेंसिटी ऑफ मिल्क इंक्रीज, तो जो मिल्क का डेंसिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोव इज मेड ऑफ, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोव इज मेड ऑफ नाइक्रोम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइक्रोम। नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मलेरियल पेरासाइट इन एनोफिल्स वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रोनल्ड रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, विच ऑफ, तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन पे कौन सा बेस्ड है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन इज ए, तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू वराइटीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू वराइटीज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है? तो हमारा जो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो ऑप्शन बी है, फिश। फिश जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द रेड ब्लड सेल आर फॉर्म इन द, तो रेड ब्लड सेल कहाँ फॉर्म होता है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, बोन मैरो। रेड ब्लड सेल इज फॉर्म इन बोन मैरो। नेक्स्ट, वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर आर यूज टू डिटरमाइन, तो जो वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर आर यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर इज, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या है हमारा? तो है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।